नाज़रीन एलएमसी को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी व्हिच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7, 3 एंड 2d। तो चले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। बाय कंपेयरिंग दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब हम इनको कंपेयर करके तो ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं a, b, c और d इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो ac इज इक्वल टू 0, पहले मैट्रिक्स की पहली एंट्री और दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री इनको हमने कंपेयर किया, ए सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस सी, तो ए हमारे पास आ गया माइनस सी। अब सेकंड एलिमेंट है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस 7, तो टू बी हमारे पास हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया और ए को लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर हमने a प्लस 7 लिख दिया, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस a माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास। अब हम थर्ड एलिमेंट देखते हैं c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 जो कि ये है हमारे पास इक्वेशन 1, वी विल गेट a इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे हमारे पास था a इज इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस सी की जगह पे हम 4 लिख देंगे तो हमारे पास माइनस 4 आ जाएगी वैल्यू a की। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 बनी हुई है ये वाली 2b इज इक्वल टू माइनस a प्लस 7, तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे a की, वी विल गेट 2b इज इक्वल टू माइनस इन टू माइनस 4 प्लस 7, तो हमारे पास प्लस का 3 रह जाएगा और 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1.5। सिमिलरली 4d माइनस 6, अब ये लास्ट वाला एलिमेंट है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का था 6, अब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 6 प्लस का हो जाएगा और ये 2d प्लस का था, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाए हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 ओवर 2 एंड d इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं सभी की। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 वी गेट a इज इक्वल टू माइनस 4, b इज इक्वल टू माइनस 1.5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल एलएमसी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।